नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco X3 Pro वर्सेस Vivo Y31 2021 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco X3 Pro में 6.51 इंच जबकि Vivo Y31 2021 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Poco X3 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Poco X3 Pro में 3.02 इंच जबकि Vivo Y31 2021 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Poco X3 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Poco X3 Pro में 0.37 इंच जबकि Vivo Y31 2021 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco X3 Pro में 215 ग्राम जबकि Vivo Y31 2021 में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 देखने को मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco X3 Pro में 6.67 इंचेस जबकि Vivo Y31 2021 में 6.58 इंचेस की साइज देखने को मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco X3 Pro में 1080x2400 और Vivo Y31 2021 में 1080x2408 देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco X3 Pro में 84.61% जबकि Vivo Y31 2021 में 84.75% देखने को मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco X3 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y31 2021 में 401 पिक्सेल प्रति इंच देखने को मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco X3 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y31 2021 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco X3 Pro में 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y31 2021 की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco X3 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Vivo Y31 2021 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco X3 Pro में Adreno 640 जबकि Vivo Y31 2021 में Adreno 610 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco X3 Pro में Qualcomm Snapdragon 860 और Vivo Y31 2021 में Qualcomm Snapdragon 662 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6GB देखने को मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी Poco X3 Pro में 5160 mAh जबकि Vivo Y31 2021 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Poco X3 Pro में 3 कलर्स जबकि Vivo Y31 2021 में 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पोको X3 प्रो की 18,999 रुपीस जबकि वीवो Y31 2021 की 16,490 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Poco X3 Pro में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y31 2021 की तो उसमें 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में Poco X3 Pro आगे है, परफॉर्मेंस में Poco X3 Pro आगे है, इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme X7 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme 8 Pro है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F62 है जो कि 22,399 रुपए में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।